सभी को नमस्कार। अब आपको सवाल अगले सवाल दे रखा है, 20 मिनट गहरा और 7 मिनट व्यास का एक कुआं खोदा गया है। आज 9 क्वेश्चन कर लिए थे, 10वां क्वेश्चन 20 मिनट गहरा और 7 मिनट व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जो आपसे कुएं से मिट्टी निकाली है उसे क्या बनाया गया, आपके पास एक चबूतरा बनाया गया है। तो जितनी चबूतरे मिट्टी लगी है उतने क्या है, उसके अगर आपके पास कुएं से मिट्टी निकाली गई है, जितनी मिट्टी आप कुएं से निकाली है उतनी मिट्टी आप चबूतरे से निकाली गई है। आपको पता है कि जो कुआं दे रखा है, कुआं क्या होता है, बेलनाकार होता है। तो कुएं की गहराई आपको क्या दे रखी है, कुएं की गहराई, तो कुएं की गहराई लिखेंगे 20 मीटर और इनका जो व्यास आपको दे रखा है वो आपको 7 मीटर दे रखा है। तो आर कितना हो गया, 7/2 मीटर हो गया। अब आपको क्या दे रखा है, आगे चबूतरे का माप दे रखा है, चबूतरे का माप 22 मीटर गुणा 14 मीटर, ये चबूतरे का माप हो गया। तो आपको क्या चाहे, कुएं से निकाली गई मिट्टी की मात्रा बराबर चबूतरे में प्रयोग की गई मिट्टी की मात्रा, दोनों की मिट्टी की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। क्या कुएं से जो मिट्टी निकाली गई थी और चबूतरा बनाया गया, तो जितनी चबूतरे में मिट्टी प्रयोग की गई उतनी कुएं से निकाली गई थी। कुआं क्या है, बेलनाकार, जहां मात्रा की बात होती है वहां पर आयतन ज्ञात किया जाता है। तो आपको कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन, तो कुएं का जो आयतन का सूत्र लगाते हैं बेलन का आयतन लगाते हैं, इनका सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और इनका जो सूत्र हो गया वो घनाकार हो गया चबूतरा, तो एल गुणा बी गुणा एच, जहां तीनों ऊंचाई दे रखी हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आप ऊंचाई ज्ञात करनी है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पाई आर स्क्वायर एच का मान चाहिए आपको, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो आर का मान 7/2 गुणा 7/2 ऊंचाई यानी गहराई 20, लंबाई गुणा चौड़ाई माप दे रखी है 22/14, ये लंबाई गुणा चौड़ाई होगी 22/14। ज्ञात क्या करना आपको, एच ज्ञात करना है। सिमिलरली बात कुएं से जो मिट्टी निकाली चबूतरा बनाया गया, जो इनकी मिट्टी मात्रा जितनी मिट्टी निकली उतनी चबूतरे मिट्टी है, तो दोनों का मान बराबर होगा। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 बार गया, 2 से 10 11 संख्या कट गई ना। अब मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ इसको, तो आपके पास 11 रह गया और क्या बच गया, आपके पास 7 बच गया और क्या बच गया, आपके पास 10 बच गया। 11 × 7 × 10 और बराबर क्या है, 22/14 × h। आप अक्षांतरण करोगे तो 11 × 7 × 10 / 22/14 = h। 11 को 2 बार 7 को 2 बार बचा क्या, 2 से 5, तो h बराबर क्या आ गया, 5/2, तो h का मान क्या हो गया, 2.5 मीटर। अतः जो चबूतरे की ऊंचाई आएगी वो क्या आएगी, 2.5 मीटर आएगी। आगे क्या वास्तव में दोबारा देख लो, πr² (2/7) × 7/2 × 7/2 गुणा 20 × 10 एच गुणा बी गुणा एच, एच का मान 22 × 14 × h, और आप क्या करोगे, 7 से 7 कैंसिल 2 से 22 11 बार, और इनके बाद आपके पास क्या हो गया, 2 से 20 10 बार, 11 × 7 × 10 ये गुणा में भाग में आ गया, और संख्या भर किया 11 को 2 बार 22 और 7 को क्या 2 बार 2 को 10 किया 5, बचा क्या 5/2, अगर 5 में 2 का भाग देंगे 2.5 मीटर आपके आंसर आ जाएंगे। सवाल हो गया, सुन आ गया होगा आपके, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार बर्तन में 3800 सेंटीक्यूब पानी भरा जा सकता है, यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी, उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलनाकार बर्तन में 3800 सेमी पानी भरा जा सकता है, ये क्या हो गया, बेलनाकार बर्तन का आयतन हो गया। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन, तो बेलनाकार बर्तन का आयतन आपको इतना बता रखा है
30,800 सेमी क्यूब बता रखा है और इसके भीतरी त्रिज्या कितनी बता रखी है आपको 14 सेमी बता रखी है। किंतु आप क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 2πRh होता है। आपके पास क्या नहीं है, h नहीं है, h नहीं है, h ज्ञात करेंगे इस बर्तन का आयतन का सूत्र लगा दो πr²h बराबर 30,800 πr²h। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14×14, एच का एच बराबर 30,800। सात के पढ़ने से दो बार कैंसिल कर दिया तो एच बराबर क्या आ गया 30,800 और जो आपके पास पटम है वो गुणा में आ जाएगा और जो गुणा में है वो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो 22×14×2×14 इस प्रकार आपके हल हो गया। अब आपको एच का मान ज्ञात करना है, इसके हल कर लीजिए। देखो 22 के पढ़े से पूरा पूरा जा रहा है, 22×22 आठ बज के 2288 1400 संख्या काटा कितनी बार गया 100 बार, 100 में 2 का भाग देंगे तो एच का मान कितना आ गया आपके पास 50 सेमी आ गया। आ गया सुनन कि आयतन में पानी भरा जा सके, सेमी क्यूब क्या है ये आयतन है, आयतन है तो वैल्यू क्या है सूत्र लगाया हमने 30,800 यानी पाई आर स्क्वायर एच का मान 30,800 दे गए। आर का मान 14 है हमारे पास 22×7 आर का मान 14×14×H और इसे ग्रहण किया तो हमारे पास H का मान 50 में है। ज्ञात क्या करना है भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बर्तन का, तो बेलनाकार बर्तन का, तो बेलन का भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πRh 2×22×7 जो आर का मान हमारे पास है 14 और एच का मान 50 सात से दो बार कितना सर ट्यूशन 2×22×2 किया 100 44×100 इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट रूप से भी है जो आपको करना है, बहुत अच्छा सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी तथा ऊंचाई 26 सेमी है, तो बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों सिरे खुले खोखले बेलन के तात्पर्य है जैसे पानी का पाइप हो गया मोटा और जैसे छत से आने वाले जो बारिश का पानी है उसका जो पाइप होता है एक खोखला होता है अंदर से, खोखला अंदर से होगा, इसकी त्रिज्या भी क्या 2 होगी, तो एक मोटाई वाली एक बिना मोटाई वाली यानी एक भीतरी एक आंतरिक। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या दे रखी है, बेलन की मोटाई दे रखी है, खोखले बेलन की मोटाई, खोखले ध्यान से देखिए पूरे सवाल को, बेलन की मोटाई बराबर 2 सेमी, ये मोटाई होगी भीतरी व्यास यानी अंदर का व्यास, भीतरी व्यास बराबर 14 सेमी। त्रिज्या मान लो उसको आर बराबर 14/2/7 सेमी। आपको खोखला ले गए तो त्रिज्या भी 2 होगी कि मोटाई सम्मिलित होती है, फिर जिस प्रकार ये आकार हो गया अंदर का, ये दोनों सिरे खुले ये मान लेते ये 2 सेमी इसकी मोटाई हो गई, तो एक त्रिज्या ये अंदर की हो गई, एक त्रिज्या क्या होगी पूरी हो गई, तो मोटाई इसके अंदर सम्मिलित है, इसलिए मोटाई को आपको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा इसमें दोनों साइड से। तो आपको क्या चाहिए आंतरिक त्रिज्या चाहिए, तो अंदर की अंदर की होगी बाहरी त्रिज्या, भीतरी अंदर कहते हैं बाहरी त्रिज्या यानी बाहर की त्रिज्या, और बाहर की त्रिज्या आपके पास अंदर की 7 है और भार की ज्यादा होती है तो मोटाई को जोड़ दिया जाता है 7×2=9 सेमी। ज्यादा त्रिज्या को R1 मान लीजिए और छोटी त्रिज्या को R2 मान लीजिए। अब आपको क्या चाहिए, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगे सूत्र लगाइए और हल कीजिए इसको, सूत्र लगा दो इसका, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और सूत्र लगा के इस हल कर लीजिए। तो याद रखना आपको सूत्र को, सूत्र क्या है इसका 2πR1+R2, R1 क्या सूत्र है R1+R2 और H प्लस आगे निजी काम में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। याद रख लीजिए सूत्र एक बार, 2 पाई
गुणा आर वन प्लस आर टू इंटू एच प्लस आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है पूरा एकदम। कर दीजिए उसको, कैसे हल करोगे पूरा आर टू का स्क्वायर। तो ये दो गई इसकी, देखो मान रखो दो का दो, पाई का मान 22 का 7, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू, तो आर वन प्लस आर टू कितना दे रखा आपको, आर वन का मान आपके पास 9 है और आर टू का मान आपको कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, 7 प्लस 9 या 9 प्लस 7, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 इंटू एच, ऊंचाई कितनी आपके पास देखो ये रेंज से, एच का मान क्या है 26 है। आर वन का स्क्वायर, आर वन का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, बीच में चीज किसका होता है आपको प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। तो 2 गुणा इसको वैसा वैसा लिखो वापिस 22 गुणा 7, 9 को 7 से जोड़ोगे तो 16 गुणा 26, ये इंटू किसके, इन इंटू में पहले, तो पहले क्या करना है गुणा करना है, 16 गुणा 26 प्लस, अब इसको करो 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपके पास 81 आएगा, 9 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 81, या पहले ऐसे भी लिख सकते हो बीच में माइनस का चिन्ह है तो एक बार प्लस में लिख दो और एक बार क्या लिख दो इसको माइनस में लिख दो, कर सकते हैं ऐसे। तो 2 गुणा 22 बटा 7, 16 गुणा 26 इंटू हो जाएगा 9, 7 कितने हो गए 16, 9 में 7 जाए 2 बचे, इस प्रकार आप 16 को 2 से गुणा कर दो, 16 को 26 इंटू कर दो और बाद में सभी को जोड़ दीजिए, तो 2 गुणा 22 बटा 7, इसको बाद में करना है, 16 को 26 से गुणा करो पहले, तो 16 पंजे 80, 16 से 96, 9 16 32, 32 में कितने हो गए 41 और 16 को 2 से किया 32, तो 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 416 में आपको कितने जोड़ने हैं 32 से जोड़ने हैं, 416 में कितने जोड़ने हैं आपको 32 जोड़ने हैं, तो 32 जब आपने जोड़ा तो 628, 628 तीन एक चार कितने हो गए 448 हो गए। अब सभी को क्या करना है आपको इंटू करना है और हल करना है, मेरे पास जगह नहीं है तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ कुछ, तो 2 गुणा किया तो 44 गुणा और कितना आ जाएगा 448 बटा 7 आ गए। अब 7 से कट रही है काट दो, नहीं कट रही है आप इतने छोड़ कट रही है, देखो 7 इन 7, 7 से 42 बचा 2, 7 से 28 तो 44 गुणा 64, और 44 को जब आप 64 से गुणा किया तो आपके पास आ जाएगा 2816 सेमी स्क्वायर। आ गया समझ में, एक बार और देख लिए आपको बेलन का समरूप क्षेत्रफल मिल गया, सूत्र याद रख लो 2 पाई गुणा आर वन प्लस आर टू इंटू एच प्लस आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। अब 2 का 2, पाई का मान 22 बटा 7, आर वन का मान 9, 9 प्लस 7 ऊंचाई 26 प्लस आर वन का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 9 को 9 पे गुणा भी कर सकते हैं, 9 को 9 से 81 माइनस 49 करोगे तो भी इतने उतर आएंगे 32, और यदि आप माइनस कर एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, 9 से 16 9 में 7 जाए 2 बच गए, इन दोनों को जोड़ेंगे आप सभी से इंटू किया तो यह आ गया आपके पास 416, इन दोनों में इंटू किया 32, दोनों जोड़ा कितने हो गए 448 हो गए। अब इस 7 के फर्क 448 कैंसिल हो रहे हैं और जो संख्या बचे उनको हमने इंटू कर दिया आपस में और हल कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, उसकी ऊंचाई 20 सेमी,
तथा अंत बाह्य व्यास कर्म से सभी सेमियति सेमिय जिसके खोखले वेद का आयतन ज्ञात है। कितना सूत्र सुना सूत्र में लिखिए खोखले वेद का आयतन पाई आर वन का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल आप लोग कर सकते हैं। कितना सरल प्रश्न दोनों सिरों से खुला है उसकी ऊंचाई खोखले वेद की आप ऊंचाई क्या दे रखी है देखो सिंपल सी दे रखी है 20 सेमी बाह्य अंत है वो बाह्य व्यास आपको सबसे पहले क्या देखो बाह्य व्यास बड़ा व्यास लिखो बाह्य व्यास कितना दे रखा है 30 सेमी त्रिज्या आपने बताई थी 30/2 15 सेमी इसके बाद क्या चाहिए आपको अंतर व्यास अंत है व्यास तो जो अंतर व्यास आपको दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है देखिए 26 सेमी दिया हुआ है तो आर टू 26/2 बराबर कितना हो गया 13 सेमी याद करना है आयतन आयतन का सूत्र मैंने लिख दिया मान रखो 22/7 आर वन का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर गुणा एच एच हो गया 20 सिंपल तरीका बताया था इसको 15 को 15 बार गुणा करके बहुत टाइम लगेगा अतः ए प्लस बी ए माइनस बी यानी एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार क्या लिख देंगे इसको माइनस में लिख देंगे गुणा 20 हल कर लीजिए पूरा 15 13 कितने हो गए 28 ये दो हो गए 20 इसने क्यों हल किया 7 के फर्ज कर दी कितनी बार 4 बार सभी गुणा कर दो उत्तर लिख दो कितना सरल क्वेश्चन कर दिया होगा 2288 2288 किया देखो 81 20 को 2 से किया कितने हो गए 40 0 832 832 35 आयतन क्यूब में आता है हमने आंसर देखिए 3520 सेमी क्यूब आपके आंसर आ गए और सिंपल सा सवाल हो गया पूरा और प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली प्रश्नावली सीखेंगे 16.3 और वीडियो का समझ आ जाए नहीं आए और आप कमेंट में ज़रूर बताओगे। धन्यवाद सभी को।